गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं कुछ दो लाइन लिखी हूँ जो आप लोगों को कहना चाहती हूँ। तो ये धरती और ये प्रकृति, हम सब समझते हैं कि ये सब हमारे हैं, ये मेरा है, ये हमारा है, ये ज़मीन, ये घर, ये कार, ये सारी चीज़ें सभी को हम बटोर ले, पर हम भूल जाते हैं कि हमारी जो सांसें हैं वो इसी प्रकृति की ही देन है। हम जिस ज़मीन में रहते हैं, पता नहीं प्रकृति की इस देन को कितने लोगों ने अपना बनाया होगा, कितने लोग इसके मालिक रहे होंगे, आज हम हैं, कुछ सालों बाद कौन होगा, लेकिन हम इंसान हैं और अपने प्रवृत्ति के अनुरूप सारी चीज़ों को अपना ही सोचते रहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हमसे पहले भी कई लोग आए हैं इस धरती पे। हमारे पूर्वज नहीं तो किसी और का भी पहले भी हक रहा होगा, तो पता नहीं अभी हमारा है और कल किसका होगा। ये प्रकृति भी हमें देखकर हंसती होगी और सोचती होगी कि इसके मालिक हैं हम, असली मायने में हमारी मालिक है। ये पेड़ हैं, ये ज़मीन है, ये आसमान, ये सूरज, ये तारे, ये चंद्रमा, सारे हमें देखते हैं, हमें सारी क्रियाएं करते देखते हैं और सोचते होंगे कि ये वो कीड़े हैं जो हमें अपना मालिक समझते हैं, वो यहाँ नश्वर हैं। प्रकृति तो नश्वर ही है और हम आते हैं और जाते हैं। जिस तरह से हम दूसरे जीव जंतुओं को सोचते हैं कि ये क्या बोलते हैं, एनिमल्स हैं और यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, उसी तरह ये प्रकृति भी नश्वर है, वो हमेशा ही यहाँ पर रहती है और हमारा जीवन तो कुछ समय का रहता है, तो वो हमें देखकर यही सोचती होगी कि ये भी एक एनिमल्स हैं या फिर जीव है, और हंसती होगी कि अरे ये कितना मूर्ख है, इस धरती को, इस चाँद को, इस तारों को अपना ही समझ बैठा है। जो कुछ समय बाद इंसान एक ऐसा नहीं रहेगा और हम इस प्रकृति में सदैव रहेंगे, तो प्रकृति इस तरह से हमें देखकर हंसता होगा। इंसान एक ऐसा खिलौना है जो सोचता है कि वो अपनों को और अपने जीवन को कंट्रोल कर सकता है, पर नहीं, हमें कोई और कंट्रोल कर रहा है। हमें हमारे जीवन को ये प्रकृति कंट्रोल करती है और हम सोच बैठते हैं कि हम अपने जीवन को खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं, हम ये चीज़ अच्छा कर सकते हैं, वो चीज़ अच्छा कर सकते हैं, इसे हम खरीद सकते हैं, उसे हम पा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रकृति हमारे को कंट्रोल करती है क्योंकि हमारा जीवन तो कुछ समय के लिए रहता है और प्रकृति सदा ही रहेगा। तो इस बात को मैं सोची चलो आपको भी अपने विचार बताऊं। तो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज थोड़ा ठंडी भी कम हो गया है, तो ठीक है, बाय बाय।